रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण एक ऐसी चीज है जो हर क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन सिविल सेवा की परीक्षा के क्षेत्र में इसका होना कितना लाभकारी हो सकता है या हानिकारक, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही सभी लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे कि अगर आप भी उन उम्मीदवारों में शामिल हैं जो सिविल सेवा की परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके पास कितने अटेम्प्ट्स या ऐसी कौन सी रिलैक्सेशंस होती हैं जो आपको मिल सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किस कैटेगरी के किस उम्मीदवार के पास कितने अटेम्प्ट्स होते हैं। श्रेणी, अधिकतम आयु सीमा, प्रयासों की संख्या कुछ इस प्रकार है। यानी जनरल कैटेगरी के पास जो 32 वर्ष तक इस दे सकते हैं और इनके पास 6 प्रयास होते हैं। वहीं अन्य पिछड़ी जातियां ओबीसी 35 वर्ष 9 प्रयास दे सकती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूसी 32 वर्ष और 6 प्रयास दे सकती हैं। वहीं एससी और एसटी 27 वर्ष और इनकी अधिकतम आयु सीमा कुछ इस प्रकार होती है। वहीं शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार 42 वर्ष सामान्य और ओबीसी जिम्मेदारियों उम्मीदवारों के लिए 9 प्रयास सुनिश्चित करता है। एससी एसटी उम्मीदवार आयु सीमा तक असीमित 12। आरक्षित श्रेणियों के लिए आईएएस परीक्षा में आयु में छूट जन्म तिथि जैसा कि मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में उल्लेखित है और इसको वह मान्य करार देता है। यूपीएससी मेंस के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को इन प्रमाण पत्रों को जमा करना अति आवश्यक माना जाता है। उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। आईएएस के लिए आरक्षित श्रेणियों द्वारा दावा किया जा सकता है। एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, रक्षा सेवा क्रमिक 3 साल और भूतपूर्व सैनिक ईसीओ एसएससीओ और कमीशन अधिकारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की सैन्य सेवा की है उन्हें 5 साल की छूट दी जाती है। वहीं नेत्रहीन, बहरे और मूक जैसे विकलांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाती है। यूपीएससी विभिन्न मान्यता प्राप्त श्रेणियों के बीच प्रत्येक विभाग में रिक्तियों का वितरण जारी करता है और प्रत्येक विभाग में अनुसूचित जाति का आरक्षण 24% से 30% के बीच रखा जाता है। अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रत्येक विभाग में 8% से 12% तक रखा गया है। वहीं श्रेणियों की रिक्तियां कुछ इस प्रकार है, जैसे आम में 73, ईडब्ल्यूएस 18, ओबीसी 49, अनुसूचित जाति 27, अनुसूचित जनजाति 13। कुल मिलाकर यह 180 सीटों के लिए परीक्षा का चयन करवाता है। अब बात करते हैं उन उम्मीदवारों की जो इन बताई गई आरक्षित सूची में आते हैं, वह आरक्षण का दावा किस प्रकार कर सकते हैं। उम्मीदवारों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा और आईएएस आरक्षण का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा। आईएएस आरक्षण का दावा करने के लिए जिन दिशा निर्देशों पर विचार किया गया है उनका उल्लेख मैं आपको अब बताती हूँ। तो दोस्तों, एक उम्मीदवार को सामुदायिक आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब उम्मीदवार की जाति केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदायों की सूची में शामिल हो। यदि कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी का है लेकिन बाद में आयोग से उसकी श्रेणी को आरक्षित श्रेणी में बदलने का अनुरोध किया जाता है तो इस तरह के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक रूप से अक्षम वर्ग के लिए भी यही सेम लागू कायम किया जाता है। दुर्भाग्य से यदि कोई उम्मीदवार आईएएस के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है तो उम्मीदवार को इस मामले में प्रासंगिक निर्णय लेने के लिए आयोग को संबोधित करने के लिए वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। सभी उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीएच, ओबीसी, पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आईएएस आरक्षण की मांग कर रहे हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह नियमों के अनुसार इसके लिए पात्र हैं और आयोग द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र रखने चाहिए और इसे पहले जमा करना चाहिए। आईएएस आवेदन पत्र की नियत तारीख आप
डायरेक्ट जाकर उनके ऑफिशियल पेज पर देख सकती हैं। आईएएस ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार वापस लेने के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं कर सकते। विकलांग व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारियों का हिस्सा रखते हैं। और वहीं इसके अधिनियम 1995 में निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध आरक्षण प्राप्त करने वाले शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग में कई पद और रिक्तियां हैं और यहां उनकी पूरी सूची मैं आपको बताने जा रही हूं। रिक्तियों की संख्या लगभग 980 होने की उम्मीद है, जिसे आरक्षित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। यानी पीएच श्रेणी के लिए 34 रिक्तियां आरक्षित की जाएंगी, एलडीसीपी के लिए 14 रिक्तियां, एचआई के लिए 13 रिक्तियां, बी एलवी के लिए 7 रिक्तियां आरक्षित होंगी। उम्मीदवारों को आईएएस ऑनलाइन फॉर्म में वांछित पद को भरने के लिए प्रस्तावित पदों की सूची की जांच करने की आवश्यकता का भी हम सुझाव देना चाहेंगे। तो यह थी हमारी आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन। अगर आप इससे संबंधित किसी और पक्ष पर भी हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इन सभी के साथ दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। आप इन सभी किताबों को अमेजन और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सी सेट के टॉपिक वाइज सॉल्ट पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 ई सैम्पल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।